नमस्कार दोस्तों, दिल्ली स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो आयोजित की जा रही है नांगलोई में, जहां जुटे हैं तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी हुई विशिष्ट हस्तियां यहां पहुंची हैं, पहलवान, सिंगर, गायक, कलाकार, तमाम लोग यहां पहुंचे हैं। हमारे साथ दिल्ली देहात के युवा नेता हैं, नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाई गोपाल डागर है, राज सिंह डागर है, हमारे स्टार प्रवीण डागर भाई हैं। बात करेंगे आज के इस आयोजन में पहुंचे भाई गोपाल डागर जी से। गोपाल जी, आज आप यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं, खिलाड़ियों की आपने हौसला जाई की है, क्या कहेंगे तमाम आयोजन को लेकर? ये आयोजन बहुत ही अच्छा है और मैं टिंकू भाई, उमंग भाई, इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा। इन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया आउटर दिल्ली में बच्चों को, जिसका कोई भी सानी नहीं है, और इनको इतना सफल आयोजन किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई जी। धन्यवाद गोपाल भाई, आपने यहाँ पहुंचकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। राज सिंह जी हमारे साथ अनुभवी हैं, लगातार शिरकत करते रहते हैं इस तरह के आयोजनों में। आज आपने बच्चों का टैलेंट देखा है, ग्रामीण बच्चों की प्रतिभा देखी है, और आपके गाँव के इस युवा टिंकू तहलान इस तमाम आयोजन से जुड़े रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा उमंग कात्याल जी का, टिंकू तहलान जी का, लांबा जी का, और इनकी पूरी टीम का। ये बहुत ही जो काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय काम है, बच्चों को एक नई राह मिल रही है, और इतना सफल आयोजन हमने आज तक कभी नहीं देखा, कि क्योंकि चार चार इवेंट एक साथ कराना और सबको साथ मिल के चलना, जो बच्चे हैं उनको एक नई राह मिली है, और ये बहुत ही सराहनीय था। तो इन सब का हमारे तरफ से धन्यवाद। प्रवीण भाई, आज आपको सम्मानित किया गया है, विशिष्ट अतिथि के तौर पर आप यहाँ पहुँचे हैं, तमाम युवाओं को आपने यहाँ देखा है, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है, आप जुड़े रहे हैं लगातार राजनीति के क्षेत्र से, अध्यात्म के क्षेत्र से, क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर के? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, दिस इज़ वेरी न्यू थिंग फॉर मी, आई डिडंट नो मच अबाउट बॉडी बिल्डिंग एंड दीज काइंड ऑफ इवेंट्स, बट आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दीज पीपल फॉर द ऑनर विच दे गेव अस थ्री पीपल विच वी केम हेयर, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट दैम फॉर देयर एफर्ट्स एंड द काइंड ऑफ एफर्ट्स they are putting to promote the new talent in especially in outer Delhi, and my blessings, my prayers, my best wishes are with them that they should do this program, they should do this event every year, and it should be like this only. It was very successful here, and we personally learned a lot about bodybuilding and this sport, and actually it is giving people consciousness about how to care for their physique, you know. Good. And you know, there are so many things that our youth might get caught up into, like addictions and bad society and some antisocial elements, but sports is the best medium to channelize their energy in a positive way. So this is actually not just for sports, but this is for our society. They're contributing something for the society, and they are giving them values to take care of their body, because this is the most important asset given by God. So I would congratulate them again, and I'm thankful to them for promoting the sport and encouraging our youth, and may God bless them. Thank you so much. जी, निश्चित तौर से भाई प्रवीण डागर ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से स्वस्थ खिलाड़ी स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं, यही स्वस्थ खिलाड़ी सभ्यता, संस्कृति और समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस तरह की प्रतियोगिताओं से प्रेरणा मिल रही है तमाम उन हजारों लाखों युवाओं को, जो अपनी बॉडी बिल्डिंग के माध्यम से अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, जिसकी कि भारत देश को आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसा कि प्रवीण भाई ने बताया है कि सिविल सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है हमारे युवाओं का स्वस्थ रहना।